ये कहानी एक आयुर्वेद डॉक्टर के जीवन को बताती है। हम सब जानते हैं आयुर्वेद दुनिया के सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र है। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि मान्य ग्रंथकार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। आज हमारा देश में आयुर्वेद के ज्ञान रखने और चिकित्सा करने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं। उनमें से एक खास डॉक्टर के जीवनी के ऊपर ये कहानी है। डॉक्टर साहब इतने खास है कि लोगों का कहना है आज भी डॉक्टर साहब पेड़ पौधे से बात करते हैं और पेड़ पौधे उनके बात सुनते हैं। उनमें सबसे बड़ी खास बात ये है जो आज भी वो मनुष्य के सिर्फ नाड़ी देखकर शरीर के सारे बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और सारे रोगों का इलाज आयुर्वेदिक प्रक्रिया से करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर साहब खुद अपने से सारी बीमारियों का दवाई तैयार करते हैं और दवाई बनाने से पहले जिस पेड़ पौधे से दवाई बनाते हैं उन सब पेड़ पौधे की पूजा अर्चना करके उनसे अनुमति लेते हैं। अनुमति लेने के बाद उनके फल फूल पत्ते और जड़ी बूटी तोड़ के औषधि बनाते हैं। उनका कहना है पेड़ पौधे से बिना अनुमति लिए तोड़े गए फल फूल पत्ते और जड़ी बूटी से बनाए गए औषधि उतना अच्छा कारगर नहीं होता है। डॉक्टर साहब की बचपन जूनागढ़ की पहाड़ी और जंगल में ऋषि मुनियों के साथ बीता है। उन्हीं सब ऋषि मुनियों से उन्होंने ये सारे ज्ञान प्राप्त किए। अपना डॉक्टरी पढ़ाई पूरा करने के बाद आज सारा दुनिया घूम घूम के लोगों के सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी पैंडेमिक कोविड कोरोना के समय लाखों करोड़ों मनुष्यों का उन्होंने मुफ्त चिकित्सक के और इलाज करके सबको सही की। चले डॉक्टर साहब के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं।
attendance, okay? Everybody be active. Number one. Number two. Number three. Present, miss. Roll number four. Present, miss. Number five. Present, miss. Roll number six. Present, miss. Roll number seven. Present, miss. Roll number eight. Present, miss. Roll number nine. Roll number nine. Name? Yes, miss. Yes. Where are you? What happened? कहाँ रहते हो आप? Sorry, miss. Sit down. चलो सबको अपना अपना होमवर्क निकालो. बेंच पे होमवर्क चेक करूंगी, सबको निकालो. एवरीवन. छोटा था अभी भी छोटा है ठीक है यार लगता दोनों ही एक जैसे ही चल रहे हैं अरे चल 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 च
पुलिस पुलिस देख के आ जाते हैं। अरे चल यार, अरे और नहीं बोलो नहीं 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 उसकी गलत बात। फिर हम लोग को हो जाएगा कौन छोटा कौन देख फिर टूफी चल 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 तुम मिल के चल चल तुनिक 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 अरे कैसे हो मैम? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे जा रहा हूँ मैम। ये मेरा दोस्त बोलू और मैं यही सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा नील, ये नील है ना? अरे ये तो अपना नील है। अरे इसके बारे में पता नहीं मैम आपको? नहीं, क्या हुआ? अरे चले ने मेरे साथ चले बताता हूँ। चले चले मेरे साथ आई मैं बताता हूँ। अरे मैम, समय सबसे बड़ा पहलवान होता है इस दुनिया में, उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। मालूम नहीं कब किसके ऊपर मेहरबान हो और किसके ऊपर नहीं हो। आज ये निब लोग का कितना हंसता खिलता अच्छा परिवार था। फैमिली में माँ बाप और एक बेटा ही था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हो गया? और हेलो हेलो जी, आप गीता बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गीता बोल रही हूँ जी। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका हस्बैंड एक्सीडेंट में मौत हो गया। क्या? सॉरी मैम, लेकिन कहना पड़ रहा है। ठीक है, अचानक एक्सीडेंट होने का उस दिन से उनके माँ टोटली परेशान हो गए और सब कुछ नीव अकेले संभाल रहे हैं। अरे नीव आज खेलेगा नहीं क्या? आज माँ
मुझे जिंदगी में संभलना सिखाया, मेरा हाथ थामा तो चलना सिखाया, मुझे जिंदगी में संभलना सिखाया। तेरी कुर्बतों ने क्यों आदि बनाया, मुझे अपनी ममता किसाए बिठा कर चलूंगा मैं अब कैसे तन्हा जाऊं। कौन है वे?